नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स विद न्यूज नॉक इंडिया में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। समय से पहले कर देने वाले करदाताओं को मिलेगा सम्मान। आदिवासी लड़की एलिजाबेथ बेक का नेशनल गेम्स में हुआ चयन। अफसरों और मंत्रियों का करीबी बताकर की लाखों की ठगी। कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद कांकेर तथा नगर पंचायत चरामा नहरपुर भानु प्रतापपुर अंतागढ़ एवं पखांजुर के अधिकारियों की बैठक लेकर शहरी क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों, राजस्व वसूली, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना आदि के क्रियान्वयन में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। संवाददाता विप्लव कुंडू की रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा करने के बाद कलेक्टर ने एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो करदाता समय से पहले अपने करों का भुगतान कर देंगे उन्हें गणतंत्र बस के अवसर पर 26 जनवरी को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की समीक्षा करने के बाद योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निवासरत महिलाओं एवं बच्चों के उपचार हेतु विशेष शिविर लगाया जाए तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार कराया जाए। बैठक में संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन बस्तर संभाग मनोज सिंह तथा कार्यपालन अभियंता अजमल भी मौजूद थे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए छत्तीसगढ़ की 28 वर्षीय आदिवासी लड़की एलिजाबेथ बेक ने खुद को राज्य की सर्वश्रेष्ठ साइकिल चालक साबित किया है। जसपुर की रहने वाली एलिजाबेथ बेक को अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल हुआ है। पैसे की कमी की वजह से उनकी ट्रेनिंग में भी दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करती रही। इस दौरान एलिजाबेथ बेक ने सरकार से मदद की अपील भी की। बता दें कि एलिजाबेथ बेक अपने राज्य की बेस्ट साइकिलिस्ट बन चुकी है और अब वो नेशनल गेम्स में अपना हुनर दिखाएंगी। बता दें कि नेशनल गेम्स इस बार गुजरात में होने जा रहा है। नेशनल गेम्स की शुरुआत 27 सितंबर से होगी और यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर तक चलेगा। यह भारत का 36वां नेशनल गेम्स इवेंट होगा। नेशनल गेम्स प्रोग्राम में 36 अलग अलग तरह के खेल खेले जाएंगे और इसमें करीब 7,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। राजधानी रायपुर में बेरोजगारों से ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी रसूद तो कभी ऊंची पहुंच बताकर नौकरी लगाने लाखों रुपए लिए जाता है, फिर पैसे वापसी के लिए आगे आए पीड़ितों के साथ पैसे वापस करने आनाकानी किया जाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी डोमेंद्र सिंह ने खुद को मंत्रालय के अफसरों और मंत्रियों का करीबी बताया और एक ही परिवार के 4 लोगों को लिपिक की नौकरी लगाने का झांसा देकर 36 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने इसके लिए बकायदा इकरारनामा भी कर रखा था। कई महीनों बाद भी जब किसी की नौकरी नहीं लगी तब घर वालों ने मिलकर आरोपी की शिकायत राखी थाने में की है। जानकारी देते हुए रायपुर ग्रामीण SSP कीर्तन राठौर ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद आरोपी की पतासाजी की जा रही है, जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना राखी अंतर्गत बीनू कुमारी और चौबेन कुमार साहू के द्वारा लिखित में शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा डोमेन कुमार महिपाल और सनत कुमार नाम के जो आदमी हैं जो उनके पूर्व परिचित के थे और उनके द्वारा मंत्रालय में अलग अलग विभागों में लिखपिक के पद पर 4 लोगों को नौकरी लगाने का झांसा दे करके पैसा मांगने पर लगभग 36 लाख रुपये दिया गया था, जिसका किसी का न तो नौकरी लगा है न ही पैसा वापस किया, और जिससे उन्होंने आवेदन दिए थे जिसपे आरोपियों के विरुद्ध में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और शीघ्र ही प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध में साक्ष्य संकलन करके विधिवत कार्रवाई करके गिरफ्तारी की जाएगी। सर, लगभग कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है? अभी तक के जो विवेचना है 4 लोग तो एक ही परिवार के थे जिनके द्वारा 36 लाख रुपये दिया गया था, और चूंकि आरोपी लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं प्रकरण में भी विवेचना बाकी है। विवेचना के बाद और उनका जो और कोई जाल होगा या फिर और उनका लिंक होगा उसके संबंध में जानकारी मिल पाएगी। आरोपी लोग ऐसे घूम फिर करके पैसा लेने का ही काम करते हैं, ऐसा कोई उनके द्वारा विशेष काम करने के संबंध में जानकारी नहीं मिला है। लोगों को झांसा दे करके पैसा लेकर के झूठ मूठ करके धोखाधड़ी के काम करते हैं। पहले भी उनका आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं इस संबंध में सभी थानों में भी पतासाजी कर रहे हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।